हेलो एवरीवन. ओके, आई जस्ट थॉट कि जब कपड़े नहीं बदल रहे तो हेयर स्टाइल बदल दूं मैं. ओके, सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम शाइन पर्ल, जिसमें हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ अजम्पशन की, मैनिफेस्टेशन स्टोरीज की. सो आई एम योर मैनिफेस्टेशन कोच. ओके, सो आज का जो वीडियो है वो है अबाउट विजुलाइजेशन, बिकॉज बहुत लोगों को दिक्कत होती है विजुलाइज करने में, बहुत लोगों को इस टूल के बारे में नहीं पता है. तो जिनको नहीं पता है या इसे किस तरीके से करना है, मैं आज सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. तो आपको अंत तक देखना पड़ेगा इस वीडियो को. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, सो वॉट इज विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर ये एक, मैं कहूँ, एक बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड है. ड्यू टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. सीक्रेट मूवी के थ्रू रोंडा ब्रायन ने इस वर्ड को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करके बताया. लेकिन मैं आपको वो सिंपल तरीके से बताना चाहती हूँ, ख्याली पुलाव पकाना या फिर डे ड्रीमिंग करना. तो जो हम लोग कहते हैं कि यार ये तो हमेशा यू नो, अपने सपनों में खोया रहता है, या जो चीज़ें आप हमेशा बैठे बैठे सोच रहे होते हैं, या उसे एक पिक्चर को आप कैरी कर रहे होते हैं अपने दिमाग में और उसके बारे में सोच रहे होते हैं, फिर वो भले ही आपके क्रश के बारे में हो, आपको घर लेना है उसके बारे में हो, उसकी डिटेल्स के बारे में आप सोच रहे होते, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन है. बस इसे एक बड़ा सा नाम दे दिया है, लेकिन ये बहुत ही छोटी सी और रोज़मर्रा की जिंदगी में हम लोग जो करते हैं उसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं. होपफुली इससे आपका 50% स्ट्रेस कम हो गया होगा. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हाउ इम्पॉर्टेंट इज विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल टूल है, क्योंकि इसमें आपके सारे सेंसेस यूज होते हैं. आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, उसे फील कर रहे होते हैं, उससे खुश हो रहे होते हैं. तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, आप एक वाइब्रेशन में आ जाते हैं. और जब आप वाइब्रेशन में आ जाते हैं, आप वो वाइब्रेशन के थ्रू अपने लाइफ में वो चीज़ को जल्द से जल्द आकर्षित करते हैं. तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है जितना कि आपका एफर्मेशन होता है. टू डू विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन करने का क्या सही तरीका है? मेरे हिसाब से, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँ, तो विजुअलाइजेशन मोस्टली मैं मेडिटेटिव स्टेट में करती हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपका दिमाग शांत होता है, जब आप एक अलाइनमेंट में होते हैं, तो जब आप कोई भी चीज़ सोच रहे होते हैं या किसी चीज़ को आप देख रहे हो दृश्य बना के उस चीज़ का, तो वो चीज़ें जल्दी से जल्दी आपके लाइफ में आकर्षित होती है. विजुअलाइजेशन में ये होता है कि अगर आप को करने में मुश्किल आ रही हो, बहुत लोग, ये होता है कि आप अपने आप को नहीं देख पाते हो, ठीक है, ये बहुत लोगों के साथ है, इवन मेरे साथ भी है कि मैं सबको देख पाती हूँ लेकिन मैं अपने आप को ही नहीं देख पाती हूँ. तो व्हाट आई डू इन अ वेरी सिंपल वे, कि अगर आप सपोज किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने लाइफ में, आपको लग रहा है कि आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप किस तरीके का लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि ये एक छोटा सा पिलो है, ठीक है, अब इसे बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा होगा, एक आइडिया कैरी करना होगा. एक आइडिया कैरी कैसे करोगे आप, एक पिलो कैसे बनाओगे? आपको उसका साइज देखना होगा कि इसका साइज कितना होना चाहिए. आप उसके बारे में सोचोगे, ये स्क्वायर में होना चाहिए, ओवल में होना चाहिए, या गोल होना चाहिए, या ट्रायंगल होना चाहिए, वो आप सोचोगे. इसका फैब्रिक कैसा हो, आप वो सोचोगे. इसके पीछे एक पॉकेट हो या ना हो, आप वो सोचोगे. तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसकी डिटेलिंग के बारे में सोच रही हूँ. तो वही चीज़ें आपको सोचनी है, कोई भी चीज़. जैसे कि अगर आप, मैं कहूँ कि आप ये फ़ोन देख रहे हैं, तो इसमें जो भी एप्स है, जो भी फीचर्स है, ये क्या था? ये एक पहले एक आइडिया था. ये आइडिया जाकर इसमें आगे, मुझे पॉज करना पड़ा क्योंकि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय हस्बैंड. सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि कोई भी चीज़, अगर आपके, आप किसी फोन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने आईफोन को किस तरीके से अट्रैक्ट किया, तो आईफोन एक्चुअली क्या था? जब स्टीव जॉब ने सोचा होगा तो पहले आइडिया आया होगा, और फिर वो आइडिया को उन्होंने एग्जीक्यूट किया उन्होंने, और फिर आईफोन बना या लैपटॉप्स बने. इस तरीके से हर चीज, जैसे कि हम कोई चेयर पे बैठे हैं, तो वो भी पहले क्या थी? एक आइडिया था.
तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको उसका थॉट कैरी करना है, उसकी डिटेलिंग आपको दिमाग में अपने चलानी होती है। जब भी आप खाली बैठो आप सबसे पहले यही करो कि आप उसकी डिटेलिंग के बारे में सोचो, किस तरीका टेक्सचर हो, या अगर आप नई कार खरीदना चाह रहे हो तो कौन से ब्रांड की हो, कौन सा वर्जन हो, कौन सा कलर हो, किस तरीके से आपकी कितना आपको अवेलेबिलिटी चाहिए, रूम चाहिए आपको एक कार में, कि अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपको बड़ी कार चाहिए, अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आपको छोटी फैमिली के हिसाब से कार चाहिए। जो भी है, जो भी चीजें आप अपने लाइफ में ट्रैक करना चाहते हो, पहले उसकी डिटेलिंग करो, पहले उसे एनालाइज करो। और ये करते वक्त आपको ये दिमाग में बिठा लीजिए आप कि जो भी चीजें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो वो सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद है, तो आधा आपका जो प्रॉब्लम है वो वहीं सॉल्व हो जाता है। आप कोई बहुत आप कोई दुनिया से अलग कोई चीज आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, सबसे पहले कि वो चीज अवेलेबल है और उसे सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट, आप जब भी विजुलाइज करें, या जैसे अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर रोमांटिक हो, तो मेक श्योर कि आप जब भी खाना खाने बैठो तो आप एक प्लेट रखो, कैंडल सजाओ। तो जब भी आप ये इस तरीके का मूड सेट करते हो, जो भी चीजें आप अपने लाइफ में एक्शन लेते हो, छोटी छोटी एक्शन लेते हो, उससे क्या होता है आपके दिमाग में वो चित्र बनते जाता है, वो पिक्चर बनते जाती है, और जब आप सोने जाओ तो उसी चीज को आपको अगेन एंड अगेन यू हैव टू जस्ट एंड जस्ट फॉलो। और वो चीजें जो आपको आपने की है, जैसे कि कैंडल जलाना, फूल रखना अपने लिए, चॉकलेट्स लेना अपने लिए, या फिर अपने लिए एक लव लेटर लिखना, या मैसेजेस करना अपने आप को, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजों को आपको विजुअलाइज करना है, उसके बारे में सोचना है। तो जब आप सोचते हो और जो चीजें आपने ऑलरेडी की है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो इट जस्ट गेट रिकॉर्डेड, और जब वो रिकॉर्ड हो जाती है तो आपको वो चीज महसूस करने के लिए, आपको वो चीज करने में ज्यादा से ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। और जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो इमोशनली किसी भी चीज में, तो क्या होता है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहे होते हो, और उससे क्या होता है आप जल्दी से जल्दी वो चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जैसे आपके दिमाग में थॉट आया, आपने दिल से उस चीज को सोचा, तो वो चीज आपके साथ होंगी। सो गेटिंग माई पॉइंट, इट इज दैट ईजी। थर्ड पॉइंट इज, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आप कर पा रहे क्योंकि आप घर में हो, आपके पेरेंट्स हैं, और आप नहीं चाहते हो कि लोगों को ये सारी चीजों के बारे में पता चले, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्क्रीन शॉट्स ले सकते हो फोन में, और उस पिक्चर को बार बार देखिए, और जब भी आप देखो आप मुस्कुरा के कहो थैंक यू। तो जब भी आप ये करोगे तो क्या होगा, बार बार किसी चीज को अगर आप देखते हो तो वो दिमाग में बैठ जाती है, और जब आप सोने जाओ तो डेलिब्रेटली उस चीज को, जबरदस्ती नहीं बोल सकते लेकिन वो चीजों के बारे में सोचिए। जब भी आप इमेजिन कर रहे हो मेक श्योर कि ये एफर्टलेसली हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे हम तो विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, अफर्मेशन भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है हमारा। बिकॉज यू आर पुटिंग फोर्स इन दैट, मेक श्योर दैट वॉट एवर यू डू यू इंजॉय। इंजॉय करना बहुत जरूरी है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है उस वक्त, प्लीज ना करें। जब आपका वक्त मिले या जब आपका मन करे आप उस वक्त करें, क्योंकि जब आपका मन करता है तो आप ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, आप प्लेजर ढूंढने लगते हो उस जगह पे। और जब भी आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर कि हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सारी चीजों को अपने दिमाग से हटा दे, सिर्फ और सिर्फ अपने एंड रिजल्ट के बारे में सोचे, अपने एंड रिजल्ट में जीना सीखे। सो दिस इज वेरी सिंपल yet effortlessly you can visualize। और इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं है क्योंकि ये हम लोग रोज करते हैं। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई चीज जो हमें हर्ट कर रही है उस चीज के बारे में नहीं सोचना है, हमें वो चीज के बारे में सोचना है, उसके बारे में अच्छा फील करना है जिसे हम अपने लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं। इमेजिन कि अगर मैं इफ आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पर्सन इन माई लाइफ, तो मेरे पास एक लिस्ट होंगी और मैं उस लिस्ट के बारे में सोच रही हूँ और मैं उसमें इंजॉय कर रही हूँ, तो आपको विजुलाइज करने में भी मजा आएगा, और साथ ही साथ ये वक्त इतने जल्दी, ये प्रोसेस इतने जल्दी कट जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो चीजें आपके सामने होंगी। सो मेक श्योर टू हैव फन इन द प्रोसेस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुरा वक्त जो होता है वो लंबा होता है,
क्योंकि हम लोग हर सेकंड मिली सेकंड को काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छा वक्त जल्दी गुजर जाता है। तो यही है एक सिंपल टेक्निक विजुअलाइजेशन की। अगर आपको पसंद आए और आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, प्लीज शेयर करें। प्लीज मेक श्योर टू थम्स अप, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, एंड प्लीज डू सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय।